नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, जहां कांग्रेस समर्थक जो है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो राहुल गांधी का 49वां जन्मदिन मनाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर लगातार आतिशबाजी हो रही है। लोग जो है, कार्यकर्ता जो है, वो अपने नेता के लिए यहाँ पर जो है लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यहाँ पर किस तरह जश्न का माहौल है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता है, और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जो है कांग्रेस के दफ्तर पर जो है इस तरह का माहौल देखा जा रहा है। काफी जश्न का माहौल है और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए आतिशबाजी का नजारा आप लोग देखिए, ये देखिए बम पटाखे, आतिशबाजी, और लगातार कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इस वक्त जो है जश्न का माहौल है। और लगातार कांग्रेस के जो समर्थक है वो यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं, और खुशी का जो है ठिकाना नहीं है। लोग जो है ढोल बैंड जो है इस वक्त अपना डांस कर रहे हैं, वो नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। आज राहुल का जो है जन्मदिन है, किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं ने खुशी है। ओनली राहुल गांधी जी कैन सेव द नेशन, इस देश को बचाना है। इस देश को बचाना है, सब समाज, सब वर्ग लोग को साथ में लेके जाना। एक ही आदमी है, वो राहुल गांधी जी है। हार जीत होता है। लोकसभा के बाद जो लोकल बॉडी चुनाव हुआ, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, आपका रिजल्ट आपके सामने आया, नतीजा। बट कार्यकर्ता कोई डरा नहीं है, सब लोग तैयार है। हम लड़के 100% दोबारा सत्ता पे आएगा, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो राहुल गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाने का आप सपना जो है देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो हार मिली, उसके बाद पहली बार आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है। राजस्थान में सरकार आया, कर्नाटक में सरकार आया, मध्य प्रदेश में सरकार आया, पंजाब में सरकार आया, छत्तीसगढ़ में सरकार आया। तब वो भी चुनाव राहुल गांधी जी का नेतृत्व में हुआ था, तब कुछ नहीं बोला। अभी आप लोग कोई कुछ बोलने से कुछ होगा क्या? वो असली इस देश का लोग का, हर समाज लोग का समझने वाला एक ही नेता है, वो राहुल गांधी जी। लेकिन आप बताइए, आप कांग्रेस के जो है बड़े नेता है, यूथ कांग्रेस के, और राहुल गांधी के करीबियों में से एक है। तो आप बताइए कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है राहुल गांधी बने रहेंगे, इस पर जो है लगातार सस्पेंस है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी देश का कार्यकर्ता लोग है, उनका बात को राहुल जी तक पहुंचा दिया। इस कांग्रेस पार्टी को, इस देश को बचाना है तो वो राहुल गांधी जी है। हमेशा लड़ने है, लड़ता वो यही एक ही नेता दिखा है। कोई अत्याचार के ऊपर हो, जो किसान के ऊपर हो, नौजवान के ऊपर हो, हर चीज में, हर समाज के लिए आवाज उठा है, दिन भर रात मेहनत किया है। राहुल जी का मेहनत में कभी कमी नहीं है। हमेशा इस देश के 6 राज्य जो सरकार आ गया, वो भी राहुल जी का मेहनत से ही हुआ है। फिर कांग्रेस जो है अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं? 100% आने वाला 4 राज्य चुनाव है, वहाँ राहुल जी के नेतृत्व में होगा चुनाव, 100% सरकार लाएगा। यहाँ पर जो है कांग्रेस समर्थकों में लगातार जो है खुशी का माहौल है, और लगातार लोग जो है कांग्रेस के समर्थक है देश भर से यहाँ आए हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी का जन्मदिन जो है यहाँ पर केक काट करके मना रहे हैं, और देश भर से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है। और कांग्रेस का जो मुख्यालय में जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जो जन्मदिन है वो केक काट करके जो मनाया जा रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस के जो है ये कार्यकर्ता है। आप कहाँ से हैं? राहुल चैलेंजर, यूपी डिस्ट्रिक्ट ब्लेंजर, खुर्जा जी, खुर्जा शहर। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी दोबारा से जो है पार्टी को खड़ा कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है, राहुल गांधी जी पार्टी को खड़ा करेंगे? राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, प्रियंका गांधी जी हमारी महासचिव रहेंगी। निश्चित ही 2022 में हम यूपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। बहुमत से 2022 में जो है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उतरे जी, वही उतरेगी और वही सीएम बनेगी, वही सीएम बनेगी। आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी को बहुत आराम से, यस, और वही वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती है। ढोल लगाने देखिए, ढोल लगाने के साथ में किस तरह से कांग्रेस करता है, वो यहाँ पर ढोल लगाने के साथ में
का दिन है और ये देखिए किस तरह से तो लगातार जो है कहाँ जाए आप दिल्ली से जी मोदी जी दिल्ली पार्टी के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी उनका जन्मदिन है क्या कहेंगे राहुल जी हजारों साल के दिन हो एक लाख राहुल जी हजारों साल का दिन हो एक लाख साल के दिन हमारी उम्र लग जाए आप कहाँ से मैं नई दिल्ली जिला चांदनी चौक का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ राहुल जी संघर्ष करो हम राहुल जी के साथ हैं आंधी में तूफान में एक एक खून का एक एक कतरा हमारा राहुल जी के नाम है आप कहाँ से हैं गुड़गांव से तो देश भर की जो कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर आए क्या कहेंगे देखिए राहुल जी का जन्मदिन है सभी युवाओं में दो जोश है और जिस तरीके की राजनीति में आज जो करवट लिया है जो झूठ की ये देखिए किस तरह से जो है राहुल गांधी के जन्मदिन पर यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं देखिए युवाओं में जोश है उत्साह है और ठीक है असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या गलती रह गई ढूंढो और सुधार करो तो बिल्कुल नींद चैन को त्यागो तुम सफलताएं आपके जीवन में जरूर आएंगी संघर्ष का मैदान हम छोड़ नहीं रहे हैं हमने बिल्कुल भारतीय हिंदुस्तान की जनता की आवाज है हिंदुस्तान की जो जनता की आवाज़ है उसको उठाएंगे जो भी हमारे विपक्ष की जो भूमिका में आज हम बैठे हैं जो भी जनता के जो मुद्दे होंगे जो उनकी सुविधाओं की जो बात होंगी वो हम विधानसभा हरियाणा से लेकर संसद तक पहुंचाने काम करेंगे सड़कों पर बैठने काम करेंगे कोई भी गलत काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करने देंगे 2014 के बाद में लगातार लगातार 2019 में पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफी नीचे चला गया है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को कैसा खड़ा किया जाएगा देखिए कार्यकर्ता आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रदर्शन काफी हो रहा है लेकिन वोटों परसेंटेज हमारी 2014 के मुकाबले में बढ़ी है तो आज जो भी रिजल्ट सामने आया है उस जनमत को हम स्वीकार करते हैं लेकिन जो हमारा संघर्ष का जो नारा है जो हमें जमीनी स्तर पर अपनी जमीन के लोगों के लिए जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो किसान की लड़ाई है मजदूर की लड़ाई है व्यापारियों की लड़ाई है उसको हम लड़ेंगे इन्होंने जो काम करे GST नोटबंदी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाई को भाई से लड़ाकर ये लोग आज जिस तरीके की राजनीति में इन्होंने कब्जा किया है वो ज्यादा दिन तक झूठ के जो बादल हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे कहाँ से हैं केरला से हैं केरला ने लाज बचा ली राहुल गांधी की वायनाड से जीते हैं वो secular voting consolidated there and Rahul we consider him he's a national leader he's the expectation of the next generation also that's why he got the maximum majority from there and cricket lagatar jo hai yahan par bhayankar roop se jo hai aatishbaazi ho rahi hai माहौल देखिए आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर केक काट कर करके यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं बच्चों को जो है केक बांटा जा रहा है तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है लगातार राहुल गांधी का जो जन्मदिन है वो कांग्रेस के जो समर्थक है वो लगातार मना रहे हैं लगातार आतिशबाजी हो रही है लेकिन कांग्रेस के खेमे में असली खुशी तो तभी आएगी जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आने वाले राज्यों में जो कुछ विधानसभा चुनाव है उनमें अगर अच्छा प्रदर्शन कर पाती है खास करके हरियाणा में है छत्तीसगढ़ में हरियाणा में झारखंड में महाराष्ट्र में जिस तरह चुनाव होने और उसके बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है अगर पार्टी इन विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो असली खुशी वही होगी बहरहाल राहुल गांधी का जन्मदिन आज यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार मना रहे हैं इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की लगातार वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें इस खबर पर अपनी राय जरूर दें ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं